बड़े बड़े राज्यों में अभी लीड पे सवाल नहीं होता है ना, अभी तो रुझान की बात है। और हमने आपको कह दिया कि अभी रुझान है, नतीजे आने दीजिए, नतीजों से भविष्य की राजनीति के लिए अवश्य ही कुछ सकारात्मक संदेश मिले। नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। राजेंद्र प्रसाद की आज, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि देश के प्रथम राष्ट्रपति थे, उनका आज जयंती था और उस मौके पर राजकीय समारोह का आयोजन किया गया जिसमें बिहार के राज्यपाल के साथ साथ डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री जो है मौजूद थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज जो है नहीं आए क्योंकि तबीयत उनकी जो है नासाज है, इस वजह से वो इस कार्यक्रम में शिरकत करने नहीं पहुँचे। हालाँकि जिस तरीके का जो एग्जिट पोल आया और अब जो रुझान आ रहे हैं, जो काउंटिंग चल रही है और अलग जो 5 राज्य के चुनाव के नतीजे आने वाले हैं और उसको लेकर भविष्य की राजनीति तय होगी और उसी को लेकर आज विजय चौधरी से भी सवाल जब पूछा गया तो उन्होंने कहा है कि अभी रुझान है, रुझानों पर बातचीत नहीं करना है। जिस तरीके का अभी रुझान आ रहा है, जब नतीजे आएंगे तब जो है इस पर बात होगी। जहाँ तक की बात रही कि जो नतीजे आएंगे वो सकारात्मक होंगे और उससे भविष्य की राजनीति तय होगी, ये बात बड़ी बात विजय चौधरी ने कहा है। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा है कि जिस तरीके से 5 राज्यों का चुनाव हुआ है वहाँ पर जेडीयू भी अपनी किस्मत आजमा रही है, जेडीयू ने भी कैंडिडेट एमपी में खड़े किए थे और ऐसे में अब देखना होगा कि आने वाले भविष्य का क्या होता है, राजनीति क्या मोड़ लेगी। क्योंकि 5 राज्य में जो चुनाव हैं तो अगर फिर से बीजेपी वापसी कई राज्यों में कर लेती है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए मुश्किल है। हालांकि नीतीश कुमार ने भी अपनी किस्मत आजमाई है, मध्य प्रदेश में उन्होंने भी अपनी कैंडिडेट को उतारा है, लेकिन होगा क्या ये भविष्य के गर्भ में है। कुछ ही घंटों बाद ये जो है वह स्पष्ट हो जाएगा कि क्या होगा। भविष्य की सियासत इन 5 राज्यों पर जो है टिकी हुई है, 5 राज्यों के नतीजे स्पष्ट होंगे और यह बातें तय हो जाएगी कि आने वाले वक्त में 24 जो कि लोकसभा चुनाव है और उससे पहले यह सेमीफाइनल खेला जा रहा है तो कौन फाइनल में पहुंचेगा और पहुंचेगा तो कौन जीतेगा। क्या कुछ कहा है विजय चौधरी ने इस पूरे बयान में? बड़े बड़े राज्यों में अभी लीड पे सवाल नहीं होता है ना, अभी तो रुझान की बात है और हमने आपको कह दिया कि अभी रुझान है, नतीजे आने दीजिए, नतीजों से भविष्य की राजनीति के लिए अवश्य ही कुछ सकारात्मक संदेश निकले। सर, इंडिया गठबंधन को एकजुटता दिखानी चाहिए थी सर, अगर वो दिखती तो हो गया होंगे बड़ा। चलिए ना, वो नहीं उनको बचाने के क्या निकल जाए।